तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने BFX नॉलेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा स्पेशल है और आज का दिन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। बस आप सबका प्यार है इसलिए सब चीज़ें हो पाई हैं। और लास्ट टाइम मैंने यार कुछ आपसे बातें करनी है, वो पार्ट जरूर देख लेना लास्ट का इस वीडियो का, क्योंकि मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, जल्दी से यहाँ पे हम इस शॉर्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस करेक्टर ने एक बैग पहन रखा है, उस बैग को हम रिमूव करने वाले हैं इसकी कमर से भी, और इसके आप देखेंगे तो इसके एक मतलब बैग की हमारी बद्दियाँ रहती हैं वो भी इसके कपड़ों को दिख रही हैं, तो उसको भी हम रिमूव करने वाले हैं। और ये शॉर्ट सेंड करा है हमारी एक सब्सक्राइबर हैं सभ्यता, उन्होंने ये शॉर्ट सेंड करा है मेरे जीमेल अकाउंट पे, और उन्होंने मेरे को ये रोटो भी करके दिया है। ये शॉर्ट वैसे मेरे ख्याल से शायद 170 या 180 फ्रेम का है, लेकिन उन्होंने 100 फ्रेम रोटो करके दिया है, तो हम 100 फ्रेम ही उनको बैग हटाना बता देंगे। और देखो गाइस, इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आप कोई शॉर्ट सेंड करते हैं तो आप तो सीखोगे ही, साथ साथ और लोग भी सीख जाएंगे, इसलिए प्लीज़ जल्दी से शॉर्ट सेंड करिए और अपना शॉर्ट कोई भी डाउट है यार वो सब क्लियर कर लीजिए। चलो गाइस, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इस तरीके का कोई शॉर्ट आया था जिसमें करेक्टर के ऊपर भी कोई चीज़ होती है और बैकग्राउंड के ऊपर भी कोई चीज़ होती है, तो आप एक रोटो पेंट का नोट लगाइए और प्लेट बनाना स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे मैं देखो यही करूँगा, मैंने एक रोटो पेंट का नोट लगा दिया है और यहाँ पे मैंने एक फ्रेम रेंज भी लगा रखा है। फ्रेम रेंज मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि शॉर्ट हमारा 180 फ्रेम का है, लेकिन रोटो हमें 100 फ्रेम का ही मिला है, तो इसलिए मैंने फ्रेम रेंज में 1 से लेकर 100 फ्रेम सेट कर दिए, ताकि 100 फ्रेम ही यहाँ पे हमें 100 हो, तो हमारी मेन फोटेज अभी फ्रेम रेंज से ही व्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक रोटो पेंट का नोट लगाया और यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ टेक्सचर भी लिखा हुआ है, मतलब कुछ वाटरमार्क भी लगा हुआ है शॉर्ट में, तो वो भी एक बार जल्दी से पेंट करके मैं हटा लेता हूँ। और गाइस, प्लेट बनाना मैंने अपनी अधिकतम वीडियो बताया ही है, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा मैं रफली टाइप की प्लेट बना दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है यार, 30-35 मिनट की वीडियो हो रही है, मैं देख रहा हूँ मतलब मेरी अभी लेटेस्ट की आप वीडियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस बार थोड़ा रफली बता देता हूँ। अगर आपको क्लीन प्लेट जानना कैसे बनाते हैं तो गाइस आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो मेरे ख्याल से कम 10-12 वीडियो होंगी जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्लीन प्लेट आप कैसे बना सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे एक बार आपको रफली तौर पे यहाँ पे बता देता हूँ, और अगर गाइस अपना टाइम देंगे आप तो आप इससे भी अच्छी क्लीन प्लेट बनाएंगे तो और आपका प्रॉपर काम दिखेगा। तो चलो गाइस, यहाँ पे एक बार जल्दी से ऐसा रफली तौर पे मैं इसका बैग यहाँ पे हटा दिया हूँ पूरे तरीके से। और गाइस आपको क्या करना है, देखो अगर इस टाइप का शॉट आ जाए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पेंट करिए, बैग तो हटा ही रहे हैं आपने, लेकिन बैग के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करेक्टर भी एक्स्ट्रा हटा लीजिए। इससे क्या होगा, करेक्टर अगर हमारा आगे पीछे मूव करता है तो हमारे पास प्लेट इतनी बड़ी होगी कि हम आराम से उसको कहीं भी वो मूव करें तो हमारे पास प्लेट इतनी बड़ी है कि वो मतलब हर जगह चलेगा यार, कि मतलब कहीं भी कटेगा नहीं, कट आउट नहीं आएगा, बैग फिर से रिवील नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यही करा, मैंने इतनी बड़ी प्लेट बना ली कि अब ये करेक्टर हिलेगा भी लेफ्ट राइट तो हमारी प्लेट हमेशा शो होती रहेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो प्लेट बनाने के बाद अभी मैंने थोड़ा रफली तौर पर ही प्लेट बनाई ताकि आपको इतना तो मालूम होगा कि आप प्लेट कैसे बना सकते हैं, अगर नहीं मालूम तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर आके, लेकिन मैंने यहाँ पे एक रफली तौर की प्लेट बनाई है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से इस शॉट में हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं फालतू की चीज़ें थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ जहाँ फालतू का पेंट हो चुका है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस रोटो पेंट के नोट को साइड में ले लेता हूँ। ठीक है, साइड में लेने के बाद इसके नीचे एक फ्रेम होल्ड लगाएंगे, आप चाहें तो इसका रेंडर भी मार सकते हैं, लेकिन फ्रेम होल्ड लगा लेते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा क्यों हम फ्रेम होल्ड लगाने वाले हैं। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे फ्रेम होल्ड लगा ली, जिस फ्रेम पे मैंने पेंट करा था उस फ्रेम को मैंने यहाँ पे होल्ड कर दिया है और एक मर्ज का नोट ले लिया है, बी हमारा फ्रेम रेंज में ही जा रहा है और ए हमारा फ्रेम होल्ड में जा रहा है। अब मैंने फ्रेम होल्ड के नीचे एक रोटो का नोट लिया है। ठीक है, यहीं से ही हमारी कहानी सारी स्टार्ट हो जाती है कि किस तरीके से हम इसे कनेक्ट करेंगे और किस तरीके से हम यहाँ पर चलाएंगे इस प्लेट को हर फ्रेम पे। फ्रेम होल्ड के नीचे मैंने रोटो का नोट लिया तो उसके नीचे मैं एक रोटो कर रहा हूँ और रोटो में थोड़ा अंदर की तरफ भी कर रहा हूँ, जितनी प्लेट तो मेरी काफ़ी बड़ी है लेकिन मैं थोड़ा अंदर की तरफ ही रोटो कर रहा हूँ, और इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं फेदर देना चाहता हूँ इसमें। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा अंदर ले रहा हूँ और फेदर थोड़ा बाहर तक दे दूँगा, और यहाँ पर यही करा है मैंने, अभी फेदर दे दिया है। और मैंने देखो पेंट का नोट क्यों लगा रहने दिया, मैंने इस बार रेंडर क्यों नहीं मारा,
क्योंकि अगर बाई चांस इसका करेक्टर थोड़ा और आगे जाता है तो मैं आराम से इसमें पेंट करके उसी फ्रेम पे प्लेट को और बड़ा कर सकता हूँ, तो ये फ़ायदा हो जाता है। नहीं तो क्या होता अगर फिर मेरे को अगर मैं प्लेट लगा देता तो मेरे को फिर से एक और प्लेट बनानी पड़ती और फिर उस पर थोड़ी और बड़ी प्लेट बना के फिर से रेंडर मारना पड़ता। इसलिए आप एक काम करिए, रोटो पेंट का नोड ही लगा रहने दीजिए, बस फ्रेम और लगा दीजिए, जब भी प्लेट छोटी पड़े ऑटोमेटिक उसके अंदर आप पेंट करते चले जाइए। तो चलो गाइस, यहाँ पे मेरी देखो प्लेट आई चुकी है कट के। अब आपको क्या करना होगा, अपना रोटो का नोड है उसमें आप ऊपर की तरफ देखेंगे सेटिंग में, तो आपको प्री मल्टीप्लाई देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप RGB A कर दीजिए तो आपका फ्रेम मतलब जो आपका फ्रेम होगा जहाँ आपने पेंट करा उसमें से सिर्फ उतना ही पार्ट कट कर आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रैकर का नोड ले लिया, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको चलानी है तो ट्रैक तो आपको लेना ही होगा, क्योंकि शॉर्ट में मूवमेंट है तो ट्रैक तो हमें चाहिए ही होगा किसी भी हाल में। तो यहाँ पे मैंने एक शार्पनर का नोड भी लगाया बीच में। शार्पनर नोड लगाने से क्या होगा, जो इसका हाईलाइट होगा वो थोड़ा और उठ जाएगा और फिर आराम से ट्रैक निकल पाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कितने आराम से यहाँ पे ट्रैक हमारा निकल रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो गाइस आप भी इस तरीके से ट्रैक निकाल लीजिए। अभी मैं इसका 2 पॉइंट ट्रैक निकाल लेता हूँ। अब देखो मैंने गलत जगह कनेक्ट कर दिया था तो फ्रेम पे मतलब ज़्यादा ही ट्रैक निकलने लगा, इसलिए मैंने सिर्फ 100 फ्रेम का निकाला था, इसलिए मैंने फ्रेम एज पर कनेक्ट कर दिया। अब एक बार ट्रैक मार लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से ट्रैक निकल रहा है। तो आप भी इस तरीके से ट्रैक निकाल सकते हैं। अब इसको एक बार देख लेंगे कि इसमें 2 पॉइंट ट्रैक की ज़रूरत है या फिर नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से इस शॉट में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि रोटेशन हो नहीं रहा ज़्यादा, तो इसलिए हमारा 1 पॉइंट से भी काम हो जाएगा। अगर ज़्यादा ही रोटेशन हो जाता तो हम 2 पॉइंट निकाल लेते, जिससे क्या होता कि रोटेशन भी हमें मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक बार, ये हमारा ट्रैक तो हो ही चुका है, अब हम एक बार इसको प्ले करके भी देख लेंगे कि हमारा 2 पॉइंट मतलब ज़रूरत है या नहीं है। तो गाइस देखने से तो ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें 2 पॉइंट ट्रैक की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सिर्फ XY में ही मूव हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रही है, तो हम 1 पॉइंट ट्रैक ही रहने देंगे। तो यहाँ पे मैं शार्पनर को अब चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, और ट्रैकर को हम उठा के नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे ट्रैकर को जब लगाते हैं अपने, तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा, आपने किस फ्रेम पे पेंट करा है उसी फ्रेम पे आपको सेट टू करंट फ्रेम करना होगा। आपने 1 फ्रेम पे पेंट करा है तो आप सेट टू करंट फ्रेम पे क्लिक कर दीजिए 1 फ्रेम पे जाके, फिर आपको मैच मूव कर देना है। अब आपका ट्रैक काम करना स्टार्ट हो जाएगा मैच मूव करते ही। अगर आप यहाँ पे प्ले करके देखेंगे तो देखिए गाइस प्लेट हमारी चल रही है बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। अब बात पड़ती है इसकी रिबील करने की, कि आप उसको रिबील कैसे करेंगे, जो आपका कैप बैप है उसको अगर रिबील मतलब करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, वो सब हम चीज़ें अब जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरे को सभ्यता ने यहाँ पे रोटो भेजा है उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अगर गाइस आपके पास भी कोई शॉट है तो आप भेजिए, अगर आप रफली रोटो भी मुझे करके देंगे तो चलेगा, क्योंकि मेन काम हमारा सीखना है, ठीक है। और ये सब रोटो प्रीसाइज करना, इसके लिए तो फिर मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगी और काफ़ी ज़्यादा मतलब आप अपना भी टाइम देंगे, लेकिन हमें क्या मालूम है, मेन चीज़ ये समझना चाहिए कि रोटो के नोट कहाँ लग रहे हैं, कौन सा नोट कहाँ काम कर रहा है, वो चीज़ मेन है हमारा समझना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो रोटो करा है, जो मैंने थोड़ा रोटो बड़ा भी कर लेता हूँ, प्लेट है इसकी थोड़ी सी हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ प्लेट को, ताकि हमारा बैग हर फ्रेम तक कटे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लिया हूँ, यानी कि डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अपने एक मर्ज के नोट लगाऊंगा 2, इस रोटो को नीचे ले आते हैं और एक बार पहले प्ले करके देख लेता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। तो ये देखिए बैग अब हर फ्रेम पे हट चुका है, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अब मैं एक मर्ज का नोट लेता हूँ और एक मर्ज का नोट और लेता हूँ, और यहाँ मैं इसका बीच वाला जो मर्ज है उसका ए दे दूंगा अपने फ्रेम होल्ड में, क्योंकि वहाँ से मुझे रिवील करनी है सारी चीज़ें, और इस वाले बीच वाले मर्ज को मैं इन भी कर दूंगा, ठीक है। फिर मैंने एक रोटो का नोट लगा दिया जो उन्होंने ही मेरे को भेजा था, इसमें देखो रोटो हुआ हुआ है, तो मेरा पूरा करेक्टर यहाँ पर आ चुका है। जो मेरी प्लेट अभी ऊपर आई थी करेक्टर की, मैंने जैसे ही रोटो लगाया तो करेक्टर हमारा ऊपर आ गया प्लेट के। तो गाइस रोटो का यही फ़ायदा है। तो अब यहाँ पे आप एक काम और करिए, थोड़ा सा एज ब्लर भी लगा दीजिए, इससे क्या होगा एज थोड़ी ब्लेंड हो जाएगी, एकदम शार्प एज नहीं आएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने बंद चालू करा, तो एज एकदम अपनी ब्लर टाइप की हो गई है। तो एज ब्लर का यही फ़ायदा होता है, इसमें आप वैल्यू भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब गाइस हम क्या करते हैं, इसके बाद नई चीज़ों पे हम जाते हैं कि इसके कन मतलब जो उसके बॉडी के ऊपर हम किस तरीके से हटाएं। हमने बैकग्राउंड का तो जान लिया कि बैकग्राउंड के ऊपर हम कैसे हटा सकते हैं, लेकिन इसके बॉडी के ऊपर हटाना बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग ही गेम है, तो उसको हम समझ लेते हैं कैसे हटाएंगे। अभी यहाँ पे मैं देखूंगा तो मेरा रोटो जो है ना वो मतलब फालतू की जगह भी यहाँ पे है, तो मैं क्या करता हूँ इस रोटो के नोट को यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, इसके अंदर की पोले जितनी मुझे अभी ज़रूरत है, क्योंकि मेन मुझे पीछे का रोटो चाहिए। तो मैंने यहाँ से कट कर लिया और एक नया रोटो का नोट लिया और यहाँ पे देखो मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देता हूँ, बाकी रोटो का नोट अपना अलग हटा दूँ। लेकिन ये कनेक्ट करने से आया क्यों नहीं, तो ये चीज़ हमने समझ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने देखो थोड़ा बहुत हो सकता है ट्रैक मारो,
तो मैंने लेयर के अंदर से निकाल ली थी सारी पॉली और मैंने इस रोटो को नोट के अंदर डाल दी, तो इसलिए नहीं आया। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस रोटो के नोट को ही कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया। मैंने दो नोट बना लिए और दोनों में सेम पॉली है। अब मैं क्या करूँगा, जो इस रोटो के नोट में मुझे नहीं चाहिए वो पॉली को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और सेम ऐसा ही दूसरे नोट में कर दूंगा कि जो पॉली मुझे उसमें चाहिए थी अब मैं उसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो क्या करा, इधर मैंने सिर्फ पीछे पीछे की पॉलियाँ निकाल ली और आगे वाली पॉलियाँ जो हमारी दूसरे नोड में है, तो मुझे अब सिर्फ इतनी पॉली मिल चुकी है और ये ट्रैक पर काम कर रही होंगी जैसा उन्होंने रोटो करके दिया है, वैसा ही यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख भी लेंगे हम प्ले करके। तो ये मेरा सब आ चुका है, फालतू की लेयर उसकी सब डिलीट मार देते हैं अंदर की। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे आप इतना तो समझ चुके हैं कि आप बैकग्राउंड के ऊपर से आराम से यहाँ पे एक कोई भी चीज़ हो कुछ भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो गाइज कितना ज़्यादा इजी था, कुछ भी नहीं करना था, बस एक प्लेट तैयार करनी थी, एक ट्रैक निकालना था और रिबील करना था, बस इतना ही करना था, कुछ हार्ड नहीं है ये सब चीज़ें। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बॉडी के ऊपर कैसे हटाएं, तो वो चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो इसका जो बॉडी है ना वो ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि एक्सटेंड प्लेट बनानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो हमारी प्लेट छोटी पड़ जाएगी और वो किसी फ्रेम पर पूरा मतलब आउटपुट नहीं दे पाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक रीफॉर्मर का नोड लगाऊंगा अपने रोटो पेंट से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीफॉर्मर का नोड ले लेता हूँ और गाइज जो मेरा फुटेज का साइज है उससे मैं दुगना तिगना बड़ा कर लेता हूँ साइज को, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना 4K कर दिया हूँ, लेकिन तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं क्या करूँगा, रीफॉर्मर में जाऊँगा, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ से इसको नन कर दूंगा। जैसे ही मैं नन करूँगा तो आप यहाँ पे देखिए साइज अभी इतना हो चुका है, एक बार से नन करते हैं यहाँ पे देखिए। तो अब मुझे इतनी बड़ी का मतलब इतना बड़ा मुझे स्पेस मिल चुका है जिसमें मैं काफ़ी बड़ी भी एक प्लेट बना के तैयार कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम ये भी जान पा रहे हैं इस ट्यूटोरियल में कि हम एक्सटेंड प्लेट कैसे बनेंगे। तो चलो गाइस अब पेंट करना स्टार्ट करते हैं अपने रोटो पेंट के नोट के अंदर। एक बार जल्दी से मैं इतना क्लोन कर लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा। एक काम करता हूँ गाइस, थोड़ा यहाँ पर वीडियो फास्ट कर देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ आगे की चीज़ें। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर आप इस तरीके से अगर प्लेट आप बड़ी करते हैं तो आपको जो अभी साइज है ना वो तो आपको ठीक है, मतलब बड़ा हो चुका है, लेकिन आप थोड़ा सा क्या करिए क्लोन को एक्स्ट्रा चला दीजिए बिल्कुल कोने तक, जहाँ आपके मतलब पेंट नहीं करना है वहाँ पे आप एक्स्ट्रा चला दीजिए कोने तक। इससे क्या होगा, आपकी प्लेट का पूरा अल्फा मिलेगा, मतलब पूरा अल्फा कोने तक आएगा। अगर आप प्लेट पेंट नहीं करेंगे, जैसे कि आपको मैं दिखाई देता हूँ वो पार्ट में क्यों करूँगा ऐसा। ओके, तो गाइस अब हम उस पार्ट पर आ चुके हैं और देखो बारीकी से समझाना ही मेरा काम है। मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, क्लोन को मैं एक्स्ट्रा चला रहा हूँ, इससे देखो मेरा ये लाइन जो है ये एक्स्ट्रा मुझे मिल जा रही। देखो यहाँ पे ये खींची तो पूरा साइज मुझे अब प्लेट का मिलेगा। तो आप भी ऐसे ही करिए, चारों तरफ से ना थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा क्लोन चला दीजिए फालतू का बिल्कुल, ताकि आपको पूरी प्लेट एकदम एक्सटेंड मिले। तो चलो गाइस मैंने यहाँ पे वो क्लोन चला ही दिया है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैं कैसे उसको लगाता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बार मैं आपको रेंडर मार के बता देता हूँ कि रेंडर में कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्या करा था, हमने डायरेक्ट रोटो पेंट का नोड लगा दिया था, फ्रेम होल्ड कर दिया था, लेकिन इस बार मैं आपको प्लेट भी लगाना बता देता हूँ कि आप प्लेट बना के भी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप राइट का नोड लीजिए और जल्दी से इसका एक फ्रेम का रेंडर मार लीजिए। जहाँ भी आपको रेंडर मारना है आप उस लोकेशन पर चले जाइए, फिर आप क्या करिए वहाँ पर अपना नाम दे दीजिए, मतलब प्लेट का नाम दे दीजिए, फिर आप .exr या फिर जो भी आपका स्कैन है उसमें आप यहाँ पर रेंडर मार सकते हैं। तो मुझे सिर्फ एक ही फ्रेम पर रेंडर मारना, जहाँ मैंने पेंट करा तो मैंने पेंट करा 33 फ्रेम पे, तो मैंने 33 डाल दिया और वहाँ पे मैंने एक फ्रेम का रेंडर मार लिया। अब उस रेंडर को मैं ले आता हूँ जो मैंने रेंडर करा था, तो ये मेरा नीचे की तरफ हैगा, इसको मैं ले आया हूँ। अब इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, आराम से मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखो मेरा कुछ इस टाइप का प्लेट आया। अगर गाइस मैं ये क्लोन एक्स्ट्रा नहीं मारता चारों तरफ तो मेरा प्लेट क्या होता, कट के आता, इसलिए मैंने चारों तरफ क्लोन मार दिया। इससे मुझे पूरा वही साइज का प्लेट मिला है जो मैंने रीफॉर्मेट में साइज सेट करा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नीचे रीफॉर्मेट लगाएंगे और इसको नन कर देंगे और यहाँ पे अपना साइज भी हम दोबारा से नॉर्मल कर लेते हैं, जो हमारा साइज था हमारे स्कैन का वही साइज हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे आप नन कर दीजिए और प्रीवियस बाउंडिंग बॉक्स चालू कर दीजिए और अपना साइज डाल दीजिए स्कैन का जो आपका साइज है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना रीफॉर्मेट में। फिर आपको क्या करना होगा, इस रीफॉर्मेट के ऊपर आपको एक रोटो लेना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक रोटो कर रहा हूँ
और मैं ये एक्स्ट्रा रोटो भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा नीचे प्लेट है इतना बड़ा जो मेरा प्लेट काम करेगा। अब मेरा करेक्टर अगर ऊपर भी उठ जाता है किसी फ्रेम पे, तो मेरी प्लेट नीचे से आ जाएगी क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा प्लेट बना रखी है इतनी बड़ी। तो गाइस रीफॉर्मेट का देखो ये फ़ायदा होता है और आप इस तरीके से एक्सटेंड प्लेट बना सकते हैं। तो चलो गाइस इसको अब जल्दी से लगा देते हैं। अब देखो क्या फ़ायदा होगा सब वही मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी हमने बड़ी प्लेट बनाई क्या फ़ायदा होगा इसका। अब यहाँ पे देखो मैं रोटो काट लिया हूँ कुछ इस तरीके से, मैंने थोड़ा सा फेदर भी दे दिया और रोटो में हम RGB A कर देंगे, जो हमारा रोटो में प्री मल्टीप्लाई रहता है ऊपर उसको RGB A कर देंगे। तो यहाँ से ये सिर्फ उतना ही पार्ट उठाएगा पूरी प्लेट में से जितना हमने रोटो करा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए अभी तो पूरी प्लेट उठा रहा है क्योंकि हमने RGB A नहीं करा है, जैसे ही मैं RGB A करूँगा तो ये सिर्फ उतना ही पार्ट उठा रहा है। और आपको ध्यान रखना है आपकी प्लेट का ऑटो अल्फा चालू हो, तो यहाँ पे देखो ऑटो अल्फा मेरा चालू है ही। अब बस क्या करेंगे हम यहाँ पे एक ट्रैकर भी निकाल लेंगे। तो जल्दी से मैं एक बार फिर से शार्पन का नोड लगा लेता हूँ और एक बार ट्रैक का भी नोड लगा लेते हैं और यहाँ पे इसका ट्रैक निकाल लेते हैं जैसे कि हमने पहले निकाला था। तो गाइस ट्रैक निकालने से पहले आप एक बार देख लीजिए आपका करेक्टर रोटेशन भी कर रहा है इस बार। पहले बैकग्राउंड हमारा रोटेशन नहीं कर रहा था लेकिन करेक्टर रोटेशन कर रहा है, इसलिए मैंने 2 पॉइंट ट्रैक निकाला है। अब जिस फ्रेम पे मुझे मैंने प्लेट बनाई है उस फ्रेम पे मैं यहाँ पे सेट टू करंट फ्रेम कर दूंगा और मैच मूव कर दूंगा अपना ट्रैक यहाँ पर लगा दूंगा। तो मेरा यहाँ पे शॉट काम करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो मेरी प्लेट थी वो काम करनी स्टार्ट हो जाएगी। बस मुझे क्या करना होगा, जैसे पहले रिवील करे थे इस बार भी वैसे ही रिवील कर देंगे और यहाँ पर रोटो लगा देंगे। तो मेरा देखिए बाजू ये मेरा ऊपर आ चुका है। तो गाइज यहाँ पे देखिए कितने आसानी से सब चीज़ें हो पा रही हैं। अभी हमने बैग भी हटा दिया और करेक्टर को ऊपर से भी हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो रोटो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है यहाँ पे, तो हम इसको एक बार अलग हटा देते हैं। जो रोटो की हमें अभी ज़रूरत है सिर्फ उसी रोटो को लेंगे, अभी फालतू का रोटो नहीं लेंगे। गाइज ये इन्होंने रोटो में जो करके दिया है ये लेफ्ट वाले जो देखो आप बाजू देखेंगे ना बैग की, वहाँ पे भी करके दिया, मतलब उसी के हिसाब से भी करके दिया है। तो गाइज अगर आपको ये रोटो चाहिए तो मैं आपको ये रोटो भी सेंड करूँगा इस शॉट के साथ साथ, इसकी फुटेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और इस रोटो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो गाइज आप इन दोनों को डाउनलोड कर लीजिए, आप काफ़ी आसानी से ये सब चीज़ें कर पाएंगे। आप भी ट्राई करिए, आप भी हटाइए बैग। और गाइज ये लेफ्ट वाला जो बाजू है इसका मैं टास्क आपको ऊपर देता हूँ, आप इसको कंप्लीट करके अगर हो सके तो मेरे को MOB सेंड करना, फिर मैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो MOB दिखाऊंगा और आपका नाम भी बताऊंगा कि हाँ देखो इन भाई साहब ने हमारा ये काम करके दिखाया और आपके लिए एक मतलब सरप्राइज भी होगा, बधाई भी होगी जो आपके लिए होगी, ठीक है। तो चलो गाइस वो टास्क मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा पूरे तरीके से बैग हट चुका है। अभी थोड़ा सा ये मेरा कुछ कटा है, यहाँ पे देखते हैं एक बार, ये मेरी बाजू कटी तो मतलब कुछ रोटो मिस है, उस रोटो को मैं एक बार उठा लेता हूँ, देखते हैं सभ्यता ने मैं करके दिया है यहाँ का रोटो या नहीं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तो देखो हट चुका है। अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा गेम और है कि हमारा जो कपड़ा है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो इसके लिए देखो गाइस क्या करना होता है, आपको सेट टू की करना होगा इस पर 33 फ्रेम पे जहाँ पे आपने प्लेट बनाई थी। तो मैं ट्रांसफॉर्म का नोड लगाया हूँ और यहाँ पे सेट की कर दिया हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जिस फ्रेम पर गलत है वहाँ मुझे ट्रांसफॉर्म खेल देना है ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करके रोटेशन करके, ठीक है गाइस। अगर तब भी नहीं हो पाता है, तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है कि प्लेट हमारी बीच में से दब रही है या फिर चौड़ी हो रही है या पतली हो रही है, तो गाइस आपको क्या करना हो, फिर ग्रीड बॉप लगाना होगा, फिर आपका ये पूरा अच्छे तरीके से हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एक बार करके दिखाता हूँ ट्रांसफॉर्म से कैसा होता है। और बाकी आप ग्रीड बॉप का अगर जानना चाहते हैं तो गाइस मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है ग्रीड बॉप के ऊपर, जिसमें मैंने बताया कि आप इस टाइप का कुछ फंस जाते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो गाइस यहाँ पे देखिए मुझे रोटो मिल गया, सभ्यता ने ये भी रोटो करके दिया है, तो हम इसको भी यहाँ पे एक बार लगा देते हैं। तो मैंने कॉपी करा और जो मुझे चाहिए था सिर्फ वो ही ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे इतना ही चाहिए था और ये अटैच। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये भी आ चुका है काफ़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई और यहाँ पे हमारा ये पूरे तरीके से हट चुका है। अब कोई दिक्कत वाली शॉट में प्रॉब्लम नहीं है, बस एज बिलर और लगा देंगे तो सेम हमारा एज बिलर भी देखो यहाँ पे लगा हुआ ही है और यहाँ पे हमारे पूरी तरीके से हट चुका है। तो गाइस आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। और हाँ गाइस मुझे लास्ट में आपसे कुछ बात करनी थी, तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस मतलब ये सब चीज़ें जो हुई हैं सर, सब आपके वजह से हुई हैं, जितने भी सब लोग हो आप सबके वजह से हुई हैं। सर मैं नहीं हूँ सर, आप मेरे लिए हो अभी यार, क्योंकि आपने मेरे को इतना आगे बढ़ा दिया मेरे को, क्योंकि हर कमेंट ने मुझे मोटिवेट करा। आप कितना भी कमेंट करते हैं ना, एक कर रहे हैं दो कर रहे हैं, लेकिन वो कमेंट मेरे को मोटिवेट करता है। और गाइस जो मेरे पास ये शॉर्ट भेजे जाते हैं कि हाँ ये करके दिखाइए, तो गाइस इससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार चलो कोई तो एक जना है
जो मेरे से करवाना चाहता था, जिसको मेरा काम पसंद आ रहा और वो मतलब चाहता है कि मैं और भी बताऊँ, तभी मेरे को भेज रहे हैं यार। तो इसलिए मैं यार बस ये सब चीज़ें देख के ही मैं वीडियो डालते रहता हूँ। आपको लग रहा हो 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, अब मैं पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। अभी भी मैं 1 रुपया नहीं कमा पाऊँगा यूट्यूब से, क्योंकि गाइस अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर ही कम्प्लीट हुए हैं। अभी हमारा वॉच टाइम का टारगेट बचा है, वॉच टाइम में कम से कम हमारे अभी 1200 घंटे बचे हैं। जब वो 1200 घंटे कम्प्लीट होंगे, मतलब अभी लगा लीजिए वॉच टाइम का 60 या 70% ही कम्प्लीट हुआ है, अभी 30 या 40% बचा हुआ है। जब वो चीज़ भी हो जाएगी तब जाके हाँ कहीं हम पैसा कमा पाएंगे। मैं आपको बताऊँगा जब मोनेटाइज हो जाएगा, तो आपको मैं पक्का बताऊंगा कि हाँ आज के दिन के बाद अब मैं पैसा कमा पाऊंगा यूट्यूब से। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं, अभी कोई मोनेटाइज नहीं हुआ, बस खुशी इसी बात की कि यार 1000 लोग हमें देखने वाले हैं। तो बस इसी चीज़ का यार आप लोगों का प्यार है कि आप लोग देख रहे हो मेरी वीडियो, आपको पसंद आ रही है। और गाइस कुछ भी हो यार, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि यार देखो सब लोग सीखें, आप भी सीखें। जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो यार मैं भी सीखता हूँ, मेरे को भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है कि हाँ यार इस शॉट में ये प्रॉब्लम आई तो मैंने ऐसा करके ठीक करी, तो आपको भी सीखने को मिलता है। लेकिन गैस बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि वो सब चीज़ें काट देते हैं, वो सिर्फ एक फ्रेम पर बता देंगे देखो इस तरीके से हमने हटा दिया, फिर नेक्स्ट फ्रेम पर बताएंगे नहीं, या फिर आपको बोल देंगे कि भाई तुम अब खुद एक बार इस तरीके से करके देखो तो आपको पूरा हो जाएगा। लेकिन मेन ये नहीं होता, मेन ये होता है कि हम कहाँ कहाँ फंस रहे हैं, वो चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। अब जैसे मैं कहीं फंसता हूँ इस शॉट में, तो वो चीज़ें आपको दिखनी चाहिए कि हाँ देखो मैं यहाँ फंसा। मतलब हम लोग इस लेवल पर ही बैठे हैं तब भी हमसे गलती होती है, लेकिन वो गलती है आप अब जैसे कोई टेस्ट देने जाता है तो क्या होता है, उसको डर लगता है कि यार मैं ठीक कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब वो हमें देखेगा कि हाँ यार ये बनता इस तरीके से फंसा था और इस तरीके से निकल गया, उस चीज़ से इसने ये ग्रेड का नोट लगा दिया, फिर यहाँ पर ट्रैकिंग कर दी तो इस तरीके से निकल गया, तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार फंस रहा हूँ तो मैं कैसे इससे निकल सकता हूँ। ये नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसके मन में ये नहीं रहना चाहिए मैं गलत कर रहा हूँ, वो फंस रहा है तो उसको निकलने का तरीका मिलना चाहिए। और वो सब चीज़ें वीडियो काटने से अगर करेंगे, वीडियो काटूंगा तो नहीं मिलेंगी आपको, और वीडियो अगर मैं पूरी रखूंगा कि हाँ भाई जहाँ मैं फंस भी रहा हूँ तो आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो हमारे साथ होती हैं, और इससे आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखो यार कोई अगर मैं जैसे मान लीजिए आपके कोई सर हैं, वो सिर्फ आपको 1 घंटे की क्लास दे के जाते हैं और आप 1 घंटे में जितना हो सकता है उतना समझ लेते हैं, लेकिन अगर वो आपके साथ 24 घंटे रहे, सातों दिन रहे, फिर आपको उनसे हर एक मिनट में कुछ ना कुछ एक नया सीखने को मिलता रहेगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो आपको ज्ञान की बातें बताते रहेंगे कि हाँ भाई आज देख ले ये, आज वो, ये फलाना ढिमकाना सब चीज़ें आपको बताएंगे। तो यही चीज़ सेम वीडियो में अगर मैं काट दूंगा, कुल 7-8 मिनट का वीडियो बना दूंगा, तो गाइस आपको बस उतना ही जानने को मिलेगा जितना मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं काटूंगा तो आपको वो भी चीज़ जानने को मिलेगी जहाँ जहाँ हम फंसते हैं, जहाँ जहाँ हम निकलते हैं उन चीज़ों से। तो गाइस ये सब चीज़ें हैं ही बस, लेकिन आप लोगों को शायद यही पसंद आता है इसलिए आप मेरे चैनल पे हो, आपका बस प्यार आज भी बना हुआ है। गाइस 1 साल हो चुका है हमारे चैनल को, 1 साल तो मतलब 1 महीना पहले ही हो गया था, उस टाइम तो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था, पर आज हो चुका है। तो गाइस बहुत ज़्यादा खुशी, और आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि आज आप VFX नॉलेज के 1000 सब्सक्राइबर में आज आप भी हो, आपका नाम भी यार हमेशा याद रहेगा जिन जिन लोगों से मेरी अभी तक बात हुई, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो सब मिलके एक दूसरे से अपने चीज़ें डाउट क्लियर करते रहते हैं। और गाइस बाकी मैं मतलब यार ये सब चीज़ देखता हूँ ना कि यार मैं कुछ रिप्लाई भी नहीं कर पाता टेलीग्राम ग्रुप में, और खुद ही एक दूसरे को जवाब दे देते हैं कि भाई यहाँ पे जॉब है, यहाँ पे ये है, ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि यार मेरी ही ड्यूटी है कि हाँ मैं ही बताऊँगा, सब लोग एक दूसरे को खुद ही बताते हैं, मिल के रहते हैं यार, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। तो चलो गाइस अपने मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, क्योंकि गाइस ये तो देखो अपना ज़िंदगी का सफ़र है, आज एक ये वीडियो आई है, कभी कुछ और वीडियो आएगी, बस अपना प्यार बनाए रखना, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। तो चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर, और गाइस जय हिंद।